नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ऑडियो लर्निंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं आयशा अहमद। आज हम आपको कटिंग का एक और मुनफरद अंदाज सिखाएंगे। कटिंग के इस अंदाज से आप बहुत सी चीज़ों को जूलियन कट में कटिंग कर सकते हैं। जूलियन कट का मतलब है कि किसी भी वेजिटेबल को लंबाई के स्टाइल में कटिंग करना। जूलियन कटिंग में हम गाजर, शिमला मिर्च, अदरक या लहसुन को लंबाई के स्टाइल में कटिंग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं गाजर और अदरक को, ताकि इसके ज़रिए हम फिर दूसरी वेजिटेबल्स को भी इसी अंदाज से कटिंग कर लें। सबसे पहले हमें गाजर को धो के उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इसके बाद कटिंग बोर्ड पर गाजर को रखकर इसका टॉप और बॉटम रिमूव कर देना है। दरमियान से गाजर को दो हिस्सों में कट कर लेना है। अब इसके बाद हमने इसको मजीद दो लंबाई के पार्ट्स में कट कर लेना है और फिर अपनी उंगली को उसी अंदाज से गाजर पर रखकर इसके बारीक बारीक लंबाई में स्लाइस कर लेने हैं। जब हमारे पास 3 से 4 स्लाइसेस आ जाएं, तो इनको फिर लंबाई में ही मजीद छोटे लंबे लंबे स्लाइस करना है। तो इस तरह गाजर की स्लाइसिंग हो जाएगी। और जब हम उसको दोबारा छोटा छोटा कट करेंगे तो ये जूलियन कट कटिंग हो जाएगा। इसी तरीके से आपने दूसरा पार्ट भी लेना है गाजर का, उसको भी स्लाइसिंग में तकसीम कर लेना है। जब उसके स्लाइस हो जाएंगे तो फिर उसके मजीद थिन स्लाइसेस कर लें, जो कि जूलियन कट कहलाते हैं। इसी तरीके से आपने अदरक को लेना है और उसके लंबाई में स्लाइसेस कर लें। जब आप उसके कई स्लाइसेस कर लें तो एक स्लाइस के ऊपर दूसरा स्लाइस रखकर तेज छुरी से उसको मजीद बारीक लंबाई में तराश लें। इस तरह से अदरक भी जूलियन कटिंग हो जाएगी। चाइनीज खानों को बनाने के लिए हम शिमला मिर्च और बंद गोभी और गाजर को स्लाइसिंग करते हैं। अदरक को मुख्तलिफ किस्म के खानों में स्लाइस करके डाला जाता है, जिनमें पुलाव, चिकन जिंजर या फिर नहारी। तो कटिंग का ये स्टाइल भी सीखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस ट्यूटोरियल के ज़रिए ज़रूर किसी भी वेजिटेबल की कटिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।